ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि माँ काली का आपके लिए क्या संदेश है। यहाँ पर आपके पास है तीन ऑप्शंस। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 5, 4 एंड 6। इन तीनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है 5, 4 एंड 6 में से। ग्रेट है, वो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। जिन्होंने 5 सिलेक्ट किया है, पहले जानेंगे कि माँ काली का क्या संदेश है आपके लिए। क्या कहना चाहती है मैया आपसे जानते हैं। माता कह रही है यहाँ पर कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आने वाले समय में, पैसे का नुकसान दिख रहा है। शत्रु कोई चाल चल सकता है जिसके कारण आपको धन हानि हो सकती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई लगातार आप पर काला जादू कर रहा है। टेन ऑफ सॉर्ट्स भी यहाँ पर आया है, क्लियरली विजिबल है। इस काले जादू की वजह से आपके स्पाइन में, आपकी पीठ में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हो सकता है कि आप बेड रिडन हैं, बेड पे से उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो शत्रु है वो लगातार आपके ऊपर काला जादू कर रहा है, जिसके कारण आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में ये ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो सकती है। माँ काली की आराधना करें। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, नंबर है 9899000366। मुझे आप अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली चाहिए तो भी आपको पर्सनलाइज रीडिंग बुक करानी होगी, उसके बाद ही आपको पोटली एडवाइस की जाती है, डायरेक्ट ऑर्डर्स पर नहीं दी जाती। काले जादू को रिमूव करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। थोड़ी सी और क्लैरिटी लेते हैं, कुछ अच्छा सा मैसेज आपके लिए और भी अगर आता है मैया की तरफ से। अगर माँ काली कुछ और भी आपसे कहना चाहती हैं, नंबर 5 सिलेक्ट किया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, साथ में हमें मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, स्पेशली जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर ये बताते हैं कि कोई ना कोई पर्सन है जो आपको ब्लेसिंग्स कर रहा है, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी कृपा कर रहा है। लेकिन आप बहुत डरे हुए हैं इस समय, जो आपको मैंने अभी बताया ब्लैक मैजिक, तो वो आपको फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, किसी की शरण में गए हैं। कोई आपके गुरुजी हो सकते हैं, कोई आपके इष्ट देवी देवता हो सकते हैं, जिनसे आप इस वक्त सुरक्षा मांग रही हैं। और यहाँ पर ऐसा भी बहुत क्लियरली विजिबल है कि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि कोई आपको लगातार स्टॉक कर रहा है, कोई आप पर नज़र रख रहा है खजाने की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से। यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल है कि कोई आपके सामने जो बन रहा है वो उसकी रियलिटी नहीं है। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है जिसमें कोई आपसे कुछ कह रहा है, लेकिन वो आपको सिर्फ शो कर रहा है कि वह आपके साथ है, एक्चुअल में वो आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पर आप लगातार किसी पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं कि आपकी वो मदद करे। तो यहाँ पर मैया आपसे क्या कहना चाहती हैं, जो भी आप गाइडेंस ले रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए एक कार्ड अपने आप निकल के आया है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, एक हमें 4 ऑफ सॉर्ड्स मिला है और दूसरा जो है वो हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स में ये क्लियर है यहाँ पर कि जो आपको पहले जो एनर्जीज आई हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज हैं। वो कुछ लोग हैं जो आपको यहाँ पर परेशान कर रहे हैं और वो ये कार्य नहीं छोड़ेंगे। उनका जो कार्य है आपको परेशान करने का, उसका मेन रीज़न है फाइनेंसेस की वजह से। तो ये जो आपको स्ट्रेस है, आप कुछ ना कुछ एक ऐसी बात है जो आपके मन में है, जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये सच है। तो यहाँ पर आप इस समय थोड़ा परेशान हैं। अब यहाँ पर हमें जो क्वीन ऑफ कप्स आई है, ये कोई एक ऐसी लेडी है जिसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। ये कोई डेमोनिक एंटिटी भी हो सकती है जिसने आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से आप कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर पूरे तरीके से बेड रिडन हो गए हैं। तो यहाँ पर मेजर हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, कोई शत्रु दिख रहा है जो लगातार आप पर काला जादू कर रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि इस वजह से इस समय आपकी जो करंट सिचुएशन है, हेल्थ स्पेशली जो है, बहुत ज़्यादा उस पर असर हुआ है। तो ये आपके लिए संदेश आया है। और क्लैरिटी ले लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी चाहती हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको अच्छा लगे। यहाँ पर एक फाइनल अटेम्प्ट है ये, कुछ पॉजिटिव मैसेज आपके लिए जिन्होंने नंबर 5 सिलेक्ट किया है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है जो बता रहा है कि किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, किसी ने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। और क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन का टाइम है, लेकिन आप यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हैं, शायद इसी वजह से आप किसी भी कार्य में आपका
मन नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए सन कार्ड भी आया है, तो इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है। जो भी हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट मिली है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने षड्यंत्र रचा है, और जो आप चाहते थे वैसी चीज़ें नहीं हुई हैं, कुछ लोग आपसे जेलस भी हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि मेजर अरकाना द सन कार्ड आपके लिए आया है, जो बताता है जल्द ही आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में रोशनी आएगी, आप कामयाब होंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर हमें कंक्लूजन में आपके लिए मिली है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, माँ काली की आराधना करें। और अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्र पोटली चाहिए, मुझे आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियोस के लिए। जय माता दी। अब देख लेते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था नंबर 4, उनके लिए क्या संदेश है यहाँ पर माँ काली का। आप क्या जानना चाहते हैं, आप मन में उसका विचार करें जिन्होंने नंबर 4 सिलेक्ट किया है। जानते हैं कि मैया आपसे क्या कहना चाहती हैं, माता आपसे क्या कह रही हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे और देखेंगे मैया का क्या संदेश है आपके लिए। यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल है कि कोई पर्सन है जो लगातार आपके सामने बहुत ही अच्छा बन रहा है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशली, इमोशनली, फिजिकली पेन में हैं। तो यहाँ पर कोई पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में समस्या हो रही है, और इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं, या कोई पर्सन है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिला है, जजमेंट मिला है, और साथ ही हमें एस ऑफ कप्स मिला है। देख लेते हैं क्या है इसका मतलब आपके लिए। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो हमें यहाँ पर आया है, क्लियरली दिखाता है कि ये पर्सन आपसे कुछ प्रोमिसेस कर रहा है। जो ये पेज है, पेज ऑफ कप्स है, ये आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आपके साथ रहेगा हमेशा, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है जजमेंट कार्ड से ये क्लियरली विजिबल है कि जो भी ये पर्सन है, जो भी ये कह रहा है आपसे, ये इसके लिए काफ़ी सीरियस है। लेकिन ये आपको सेपरेशन के लिए कह रहा है, अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के लिए, अपनी वाइफ से। तो यहाँ पर क्या यह आपके लिए ठीक रहेगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको तो ये गुड न्यूज़ लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मून की एनर्जी भी है, इल्यूजन भी है। तो जो ये पर्सन आपसे प्रॉमिसेस कर रहा है, क्या ये पूरी कर पाएगा, देखिए ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर आप देखें तो ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, पेंटिकल लेके आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इतना आसान भी नहीं है अपने परिवार को छोड़ना। आप अपनी फैमिली को इतनी ईजिली छोड़ करके इस पर्सन से मैरिज भी नहीं कर सकते हैं। जो भी ये पर्सन है, कोई ऑफर है, कोई प्रपोजल है, तो यहाँ पर जो इस जिस घोड़े पर ये बैठा है आप देखिए, वही यहाँ पर खड़ा है, चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये मूवमेंट ही नहीं है। तो ये पर्सन आपको सिर्फ बोलता रहेगा कि आप डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स ले लो। या हो सकता है, अगर आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, कि आप ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन कोई और आपको गाइड कर रहा है कि चलिए आप मेरे साथ काम कर लीजिए, अपना काम छोड़ करके मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर आप अपना कार्य छोड़ देंगे उसके लिए, और वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ये सोच समझ कर ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि यहाँ मून है, इल्यूजन है, तो सामने से जो ऑफर आ रहा है वो जेन्युइन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस पर्सन की वजह से, यही पर्सन आपका मेन समस्या का कारण है। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं तो भी ये कारण है, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो भी ये पर्सन उसका मुख्य कारण है, क्योंकि आपको सपने दिखा रहा है और आप इसके सपनों के चक्कर में अपनों से लड़ रहे हैं, आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको माँ काली का संदेश है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं आपके लिए, थोड़ा और मैसेज यहाँ पर मैं आपके लिए बनाती हूँ, क्या मैसेज है। देखिए आपको यही कहा जा रहा है कि कोर्टशिप रिवर्स है, और साथ ही साथ थॉट्स जो है, ये देखिए रिवर्स में कार्ड्स आए हैं। तो ये पर्सन जो है, ये लगातार आपके बारे में सोच रहा है, आप ही उसके दिमाग में हो, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में है, तो इस पर्सन को आपके बारे में कोई ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं है, ना ही इसको कोई इंटरेस्ट है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए, कोर्टशिप का कार्ड हमें यहाँ पर अपराइट में जो होना चाहिए था, ये हमें रिवर्स में आया है। तो आपको यही चीज़ कही जा रही है कि आपको आपके जो मैरिड लाइफ है उस पर फोकस करना है, सेपरेशन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जिसके भरोसे आप सेपरेशन की सोचेंगे, वो आपको यहाँ पर सिर्फ वादे कर रहा है जिन्हें वो पूरा नहीं करेगा। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए, देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। एक और कार्ड निकालेंगे, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई है। तो यहाँ पे कार्ड्स भी ये कह रहे हैं कि करंट पार्टनर जो आपका है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, तो यही परफेक्ट मैच है। यहाँ पर किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, फायरी एनर्जी है,
तो आपको आपका जो जीवन साथी है वही यहाँ पर आपके लिए बेस्ट सुइटेबल है। ये तो सिर्फ एक पेज ऑफ कप्स है जो एक फेक प्रॉमिस आपसे कर रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर कोई और पर्सन आया है, कोई आपको पसंद कर रहा है और आपकी मैरिज को ब्रेक कर रहा है, तो उससे आपको डिस्टेंट होना ही पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं। सेपरेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा, आपका डाइवोर्स यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके माइंड में है तो ये समझ लीजिए कि वो होल्ड पर है, वो चीज़ें नहीं होंगी। अल्टीमेटली आप अपने हस्बैंड के साथ ही हैं, अपने वाइफ के साथ ही हैं, और यही बहुत सुंदर पेयर आपका बन रहा है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, माँ काली आपसे यही कह रही है। आपको अगर माता की मंत्र पोटली चाहिए अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अवश्य मैसेज करें। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ मैरिज रीडिंग ले सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय महाकाली अवश्य लिखिएगा। मैया आपके घर परिवार में खुशियाँ रखेंगी और जो भी मन मुटाव है हस्बैंड के साथ वाइफ के साथ वो सब दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही संदेश है। और अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ में कोई समस्या आ रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसके लिए भी आप उपाय मुझसे ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, माता की मंत्र पोटली ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था नंबर 6, उनके लिए माँ काली क्या संदेश देना चाहती हैं। जिन्होंने नंबर 6 सिलेक्ट किया है मैया, उनसे क्या कहना चाहती हैं जान लेते हैं। देखिए कुछ कार्ड्स यहाँ पर आना चाह रहे हैं, देख लेते हैं इनमें से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्या कहना चाहती हैं मैया आपसे? देखिए माता बहुत प्यारी हैं, माता की थोड़ी सी भी पूजा करोगे ना तो माता, देखिए आपके घर में 10 ऑफ कप्स, कितनी खुशियाँ हैं। और यहाँ पर एक नदी बह रही है जो एबंडेंस को दिखाती है, और आपका पूरा परिवार देखिए कितना खुश है। तो माता आपके घर में खुशियाँ ले आएंगी। और यहाँ पर देखिए अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग हैं जो आपके कार्य बिगाड़ रहे हैं, कुछ लोग आपके कार्य बिगाड़ रहे हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं आप। किसी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में भी समस्या आ रही है, आपका कोई बिजनेस है जो बहुत अच्छा होना था लेकिन किसी की वजह से आपके बिजनेस को लगातार नुकसान हो रहा है। क्योंकि सो मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, ये जो एक कहावत है कि बहुत सारे लोग अगर मिलके खाना बनाने लगते हैं तो वो खाना ही ख़राब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी जो लेडीज़ हैं ये कुछ बना रही हैं और सब अपने अपने आइडियाज़ दे रही हैं, और यहाँ देखिए ये सब वेस्ट हो रहा है और जो लोग हैं यहाँ पर और हैं वो ये खा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आपकी जो कंपनी है वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनका ना तो कंपनी के बेनिफिट में इंटरेस्ट है और ना ही उनके पास उतना दिमाग है कि वो आपकी कंपनी को रन कर सके। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इवेल्युएट करना होगा, ये झगड़े कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर इस एनर्जी से आपको अपने ऑफिस को बचाना होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, झगड़े हो रहे हैं, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में भी, या फिर मेनली आपके ऑफिस में हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? देखिए एम्प्लॉयज़ के लड़ने का या आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत का मेन कारण है ये सॉर्ट्स एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ट्स है। किसी ने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया है, एक ब्लैक बर्ड आप देखिए बाहर उड़ रही है, तो कोई है जो लगातार आपके करंट सिचुएशन को असर डाल रही है, आपकी लाइफ में, आपके ऑफिस में, हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। यहाँ पर हमें मिला है 10 ऑफ कप्स, कुछ मिस्टीरियस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो रहा है। और यही कारण है कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप जहाँ भी आपका जो कंपनी है उस वहाँ वो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है जिसमें कोई आपका कहना ही नहीं मान रहा है, सब अपनी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो लगातार ब्लैक मैजिक कर रहा है और आपकी जो यूनिटी है, आपकी जो टीम है उसको यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने का समय आपके लिए है, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे रिवर्स में आपको सडन वेल्थ आ गई है, जिसका मतलब है कि जो खजाना आपको मिलना था, ये खजाना था सडन वेल्थ, अचानक से धन लाभ होने वाला था लेकिन ये हो गया है रिवर्स। इसका मुख्य कारण क्या है कि कोई लगातार ब्लैक मैजिक कर रहा है जिसके कारण आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में झगड़े हो रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में झगड़े हो रहे हैं, और अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आपका है। आपने बोला चलिए फंक्शन करते हैं, आपस में सब लड़ गए, यहाँ पर खाना वेस्ट हो गया। आपने कहा नया बिजनेस शुरू करते हैं, सबने पैसे मिलाए, आपका मैक्सिमम पैसा आपने डाला लेकिन अल्टीमेटली नुकसान हो गया, यहाँ पे आपस में झगड़े हैं। तो इन चीज़ों का मेन रीज़न जो होता है वो किसी की बुरी नज़र होती है, यहाँ पे इवल आई हो सकती है क्योंकि यहाँ एक ब्लैक बर्ड लगातार यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ रही है, और सडन फाइनेंशियल लॉस हो रहा है जिसका मतलब है किसी की बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र लगी है आपके परिवार के ऊपर, जो ये हैप्पी फैमिली है इस पर किसी की बुरी नज़र लगी है। माँ काली यहाँ पर कह रही हैं
कि जो भी पर्सन आपके परिवार पर बुरी नज़र डाल रहा है उसके लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य कराना चाहिए। आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आप पर्सनलाइज रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, अपने लिए आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराएं और उसके बाद मैं आपको पोटली एडवाइस करूँगी रीडिंग के बाद। यहाँ पर ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो आप अब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है आपको, तो कोई नया बिजनेस आइडिया भी आपके माइंड में आ रहा है तो आप डर रहे हैं, क्योंकि मून कार्ड है तो यही तो चाहता है जो भी ये पर्सन है, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, इविल आई किया है, वो यही चाहता है कि आप इतना डर जाएं कि आप और आगे ना बढ़ें, आपकी ग्रोथ रुक जाए, यही तो चाहता है वो पर्सन, यही कारण है कि वो लगातार इविल आई कर रहा है, द मून कार्ड है, ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो यहाँ पर यही संदेश है आपके लिए कि आप जितना जल्दी हो सके माता की चमत्कारी मंदिर पोटली लें और यहाँ पर उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले पाएंगे, अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। टू ऑफ कप्स है, यहाँ पर मैया आपकी तरफ सेलिब्रेशन, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज भेज रही हैं, तो ये ही मेन कारण है। आपस में सबके बीच में यहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ऑफिस में लवर्स कार्ड भी आया है, तो जो भी रिलेशनशिप में हैं इस समय आप किसी के साथ, तो वो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी माता की चमत्कारी मंत्र पोटली से। तो यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आप माता की मंत्र पोटली के लिए भी मुझे पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा के आप ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर्स पर मंत्र पोटली नहीं दी जाती है, रीडिंग के बाद ही आपको एडवाइस की जाती है और सबको नहीं दी जाती है, ये सिर्फ माता के आदेश से ही मिलती है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, नंबर है 9899000366। इस कार्ड पर थोड़ी सी लाइट आ रही है, मैं ये कार्ड आपको ऐसे दिखा देती हूँ, देखिए ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो ये तीन सॉर्ड्स हैं ये दिखाती हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होने वाला है जिससे आप दुखी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायरी लिखी रखी हुई है जिसमें जैसे कुछ लिख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इंक ही गिर गई सारी, देखिए नुकसान हो गया, कपड़ा भी ये गंदा हो गया, इंक गिर गई तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे, मतलब कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ नया नहीं कर पाओगे, कोई नया बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, एक दिल है जिसपे तीन तलवारें लगी हुई हैं और बाहर एक ईगल है जो लगातार देख रही है आपको और अंधेरा है, तो यहाँ पर लेकिन आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ चले गए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है जिसमें आपको पूरे तरीके से ऑक्यूपाई किया गया है। चलिए जान लेते हैं कि आप यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं आपकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज कहाँ हैं, क्या कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक हुआ है, आपकी एनर्जीज कहाँ हैं ये जानेंगे हम। आपकी एनर्जीज को जानना है, कहाँ पर हैं आप, दिख क्यों नहीं रहे इस कार्ड में, कहाँ हैं ये। चार मिल गया हमें, एक मिल गया हमें, दो मिल गया हमें और तीन है हमारे पास यहाँ पे, एक दो तीन चार, कोई बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से आप इस समय वहां नहीं है जहां पर आपको होना चाहिए। आपकी एनर्जीज को, आपकी स्पिरिट को कोई कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल जो कर रहा है वो टू ऑफ पेंटिकल्स पर कोई पर्सन है जिसके पास आपका सोल है, आपकी एनर्जीज है, क्योंकि एस में तो एक पर्सन दिख ही रहा है हमें, टू ऑफ पेंटिकल्स में इस पे दो पेंटिकल्स हैं और यहाँ पर आप नहीं हो, यहाँ पर तो आप हो, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर जो है इस पे टू पेंटिकल्स है, आपकी एनर्जीज टू ऑफ पेंटिकल्स में है। अब ये टू ऑफ पेंटिकल्स कौन है, किसने आपके सोल को कंट्रोल कर रखा है, आप जहाँ कहीं भी हैं आपका यहाँ पर अगर फिजिकल प्रेजेंस भी है तो आपका माइंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, आपका दिमाग यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये किसी और पर्सन के कंट्रोल में है। ये जो भी टू ऑफ पेंटिकल्स के पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी है,
फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये ऐसा है जो अपने बारे में सोचता है। इस पर्सन के पास आपका सोल है, आपका थॉट, आपके थॉट्स इस पर्सन के पास कैप्चर्ड हैं। और यहाँ पर हम देखें तो एम्परर का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि जो ये पर्सन है ये आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है खुद एम्परर बनने के लिए। खुद एम्परर बनने के लिए ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ये पर्सन भविष्य में एम्परर बनने वाला है क्योंकि आपको तो ये कंट्रोल कर ही लेगा। ये देखिए यहाँ पर एनर्जीज हैं, कोई आपको अपने अंडर काम करवाना चाहता है, कोई आपको इतना कंट्रोल कर लेगा कि जो वो कहेगा वैसे ही आप कार्य करेंगे। तो यहाँ पर अलर्ट है आपको, कोई पर्सन है जो आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को टेक ओवर करने वाला है। आज तो वो आपके साथ चल रहा है लेकिन भविष्य में वो आपको अपने पीछे चलाएगा, और ये बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, क्योंकि वो एम्परर बन जाएगा यहाँ पे जो टू ऑफ पेंटिकल्स है, और आप थ्री ऑफ पेंटिकल्स पे नहीं दिख रहे क्योंकि आप उसके कंट्रोल में हो। तो यहाँ पर कोई एम्परर बनने वाला है और आपको अपने कंट्रोल में वो रखेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये क्रिएचर है वो इसके पास चुपचाप बैठा है, क्योंकि ये इसका मास्टर है, इसके पास बैठा है। तो यहाँ पर अभी आप अगर किसी के सीनियर हैं तो भविष्य में वो पर्सन आपको अपने कंट्रोल में करने वाला है। तो ये आपके लिए संदेश है, थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। जो बिजनेस आपका, जो भी कार्य है उसमें जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी फाइट्स को लाइटली मत लीजिए। जो भी आपको नुकसान हो रहा है लाइटली मत लीजिए, कोई जानबूझकर ये कर रहा है जिससे कि आप फाइनली अपना जो कार्य है वो इसको दे दें। एक गलत डिसीजन लें, फूल से एनर्जी यहाँ पर आई है, एक रॉन्ग डिसीजन लें, और रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग डिसीजन लेने से आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, और फिर आप बहुत उम्मीदों से इस पर्सन की तरफ देखेंगे, इस पर्सन से हेल्प मांगेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप नहीं हैं, आपके परिवार के और सदस्य भी हैं जो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस जिनको हो सकता है, और फिर आप फाइनली इस पर्सन की हेल्प मांगेंगे। और ये पर्सन एक फेक पर्सन है लेकिन आपके सामने बहुत अच्छा बनेगा और आपकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेगा। देखिए फिर से वही पर्सन आ गया है, ये वही पर्सन है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करेगा ये पर्सन आगे चल के मास्टर बन जाएगा, दी एम्परर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए यही संदेश है, उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अभी भी समय है, आपको अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में अगर झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, और उसके बाद ही आपको गाइड किया जाएगा माता की मंदिर पोटली के लिए कि आपको कौन सी पोटली आपके लिए ठीक रहेगी। और आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो भी भविष्य में ये समस्या होने वाली है ये मैया पहले ही सॉल्व कर देंगी। उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और जय माता दी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। जय माता दी।